लाइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस आज का तो मैं स्वागत आप सभी का नई प्रीव्यू वीडियो में। आज मैं अनबॉक्सिंग तो नहीं करूँगा, बताऊंगा आपको इस फ़ोन के बारे में क्या क्या खासियत है इस फ़ोन में और क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर, क्या फीचर्स निकल के आगे दमदार उसके बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा प्यारा सबसे दुलारा नोकिया 1100। आप सभी जानते होंगे इस फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन के बारे में किसी को ना पता हो ऐसा कोई नहीं होगा, मतलब हर कोई जानता है इस फ़ोन के, बहुत मतलब चहेता फ़ोन है सबका। तो फ़ोन बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं इसका फिज़िकल और वीडियो देखिए, साइड में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दे रखी है, आपकी लड़ाई वगैरह हो तो आप मार सकते हैं। स्पेशली इसके लिए बनाया गया था ये सॉलिड फ़ोन, आपसे गिर जाए टूट जाए कुछ मत जो हो जाए, अगर आपके मान लो दांत से अखरोट नहीं टूट रहे तो आप इसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से टूटेंगे, फ़ोन को कुछ नहीं होगा। पीछे यहाँ 3-4 पोर्ट्स वगैरह दिए हैं, गुमराह करने के लिए दिए हुए। जो यहाँ है ये पोर्ट है आपका जो आपको दिख रहा है, अगर तो मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, तो ये जो ये पोर्ट है चार्जिंग पोर्ट है, ये आपका वो हेडफोन वगैरह लगाने उस टाइम पर वैसे कौन सुनते हैं, मगर फिर भी दे दिया था उन्होंने, और माइक वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ। बहुत मतलब इतना दमदार फ़ोन आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी सबसे पहले हम ऑन करते हैं इस फ़ोन को, कोई लोडिंग नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब इंसर्ट सिम का आ रहे हैं, तो यहाँ हमको मेरे ख्याल से सिम डालना पड़ेगा पहले, तो जल्दी से सिम डालते हैं और वापस आता हूँ। हम आ गए वापस। अब मैं एक और बार इसको बूट अप करके, क्योंकि आप जब तक सिम नहीं डालेंगे तो वो जो हाथ वाथ मिलते हैं ना वो जो चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं होती, तो अब मैं आपको बूट करके दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए वो हाथ मिल गए, मतलब क्या कि थोड़ा फील आ रही है आपको, आ रहा मजा आ रहा है, मुझे आ रहा है। हाँ तो देखिए आप मैसेजेस आ गए, कॉन्टैक्ट्स आ गया, यहाँ कॉल रजिस्टर मतलब वही जो कॉल वगैरह आपके पास आती है जाती है वो आ गया। टोन्स मेन जो टोन्स है सुन के देखते हैं, तो चलाना मेरे को बिल्कुल नहीं आता, फिर भी सुनेंगे, चलो वो तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कहाँ भी हाँ यहाँ थे तो सुनी सुनी सी लग रही है, मतलब इंट्रो ये ट्यून जो है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा चलती थी ये वाली ट्यून, ये क्या नाम है इसका, इंट्रो नाम है, जिंगल बेल जिंगल। ये अभी भी सुनने में आती है, क्या मतलब फोन, ये एक नंबर का फोन था, ओरिजिनल ट्यून यही चाहिए था हमें यही। और हाँ और भी चीज़ हमारे अंदर से आपको दिखाइए, प्रोफाइल्स इसमें भी मतलब हमने जो ये सेट करना होता है उनको म्यूजिक वगैरह, सेटिंग्स, अलार्म क्लॉक, रिमाइंडर, गेम्स। उस टाइम पे भाई साहब गेम का बहुत ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा ये अपनी हमारी स्नेक वाली गेम जो चलती थी, फ़ोन बहुत महंगा था उस टाइम पे अगर देखा जाए तो आसान गेम नहीं थी, इसमें ऐसे अगर मर जाते थे तो ये मेरे से कभी नहीं खेलेगी बिल्कुल नहीं खेलेगी थी। और भी गेम है वो दिखाएंगे नहीं, ये आपका कैलकुलेटर वगैरह इसमें, ड्राइव मतलब जो आपका सिम कार्ड का डिटेल्स वगैरह होती है, मतलब जो आपका जैसे एयरटेल लाइव वगैरह ऐसा हो गया, ऐसा फीचर जो होता है ना सिम में, आप समझ रहे हो गया। हाँ तो इस फ़ोन में खासियत है, अगर मान लो आपको सिम वगैरह टाइम वगैरह ऐसे दिख जाता है तो ऑन स्क्रीन उस टाइम पे भी आता था, देख लीजिए मतलब आप कॉपी कर रहे हैं इन चीज़ों का, ऑन स्क्रीन आप कॉपी कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सिंपल आपको अगर मान लो निकालना है सिम, ऐसा करोगे ऐसे ऐसे कहीं पर नहीं निकलता, अब मतलब अखरोट वगैरह निकल जाता है, सिम निकलता है, तो आराम से बैटरी निकालो और यूँ करके सिम निकालो, ऐसे सिम निकालो, सिंपल है। आपको मतलब क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो करके निकालना या ये करके निकालना। और एक चीज़ एक और खास है, अगर आप मान लो आपको फ़ोन हैंग हो गया आप क्या करोगे, आप बटन दबाते रहोगे, वेट करोगे जब तक रिस्टार्ट नहीं होता, सिंपल क्यों किया एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, चार बार मारा, बैटरी नहीं निकली, क्यों करके निकाल दो, सिंपल। और अब एक और फ़ोन में दिखाता हूँ आपको, जो
इसकी थोड़ी बड़ी जनरेशन है तो ये है। तो ये फ़ोन भी काफ़ी चला है और काफ़ी लोगों ने ये फ़ोन भी लिया है। ये है C1। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा, बाकी आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा। बैटरी मेरे पे एक ये वीडियो आती रहती है, इसमें हम आपको ओरिजिनल मतलब हाथ जो मिलते हैं उसमें थोड़ा बहुत फीचर्स ऐड होते हुए दिखेंगे कि आप आपको ये फ़ोन थोड़ा ख़राब भी हो गया तो इग्नोर करो। साउंड ना ये अलग ही फील देती है ये वाली साउंड। टाइम वगैरह हम बाद में सेट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट जो रहता है रहने दो। इन फ़ोनों में बस एक दिक्कत है, आपका जो 4G सिम अब आ रही है वो नहीं चलेगी, तो आपको 3G सिम लेने पड़ेगा इसके लिए। इसमें आपको फीचर सारे बहुत सारे मिल जाते हैं, फेसबुक वगैरह चलाने को मिल जाते हैं, इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे। और हैंग भी होते हैं, इन्होंने बताया था हैंग होते हैं फ़ोन। तो फिर ये फ़ोन निकाले, ये जियो के फ़ोन है, ये आपको कैसे लगते हैं? तो इसमें भी काफ़ी सारे आप, अब जैसे मान लीजिए ये फ़ोन हैंग हुआ है तो इसको क्या करना चाहिए, यूँ करके बैटरी निकालनी चाहिए? नहीं, इसमें यहाँ साइड में दिया हुआ बैटरी निकालने का, इसको आप दबाएंगे और बैटरी बाहर आ जाएगी। यहाँ आपका सिम लगता है, यहाँ मेमोरी कार्ड भी लगता है इसमें, ये देखिए यहाँ मेमोरी कार्ड भी लगता है। और आपको यहाँ हेडफोन जैक भी मिलता है, मतलब गाने सुन सकते हो आप जबरदस्त हेडफोन लगा के, बढ़िया वाले हेडफोन लगाए महंगे वाले, तब तक हमारा ये जियो का फ़ोन चार्ज हो चालू हो गया। ये फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया अगर देखा जाए तो, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दीजिए, मगर इससे आप अमरूद नहीं तोड़ सकते क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अमरूद तोड़ने से। इसमें भी नहीं तोड़ सकते आप अमरूद, इसमें भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है मतलब अमरूद में। तो इससे आप कुछ भी मतलब, आप मान लो आपकी हथौड़ी नहीं मिल रही, बाई चांस नहीं मिल रही, कहीं गुम करके आप भूल गए हो, तो कील वगैरह ठोकनी है, कोई फोटो वगैरह लगानी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप कर सकते हैं यूज़ का यहाँ से। और किसी से लड़ाई हो जी फेंक के मारो, बंदा ख़त्म, फ़ोन को खरोच तक नहीं आएगी, बंदा ख़त्म। देख लीजिए 20-25 साल हो गए इस फोन को, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी ये फ़ोन लीजिए। तो जैसे मैं दिखा रहा कि ये है हमारा नोकिया, बहुत बढ़िया फ़ोन है, फीचर इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ फेसबुक भी डाल सकते हैं, कोई मतलब ऐसी वाली बात नहीं कि आप नहीं डाल सकते हैं। गेम कलेक्शन में फेसबुक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ देखिए ये कन्वर्टर वगैरह रखे हो, ओपेरा मिनी रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है थोड़े मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ओपेरा मिनी वर्ल्ड क्लॉक। तो यहाँ आप अपना वो भी डाल सकते हैं। और ये हमारा अगेन जियो का फ़ोन। तो बाकी ये जो ये दो फ़ोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतने, अगली बार में अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी बातचीत। तो चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय सारनारा, सॉरी सायोनारा, मिलते हैं अगले इसी स्मार्टफोन के साथ। तो ये देखिए कितना सॉलिड कैमरा टूट गया, अगर मैं जा रहा हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।